ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बातों को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की ओर मोड़ने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। नए हो सब्सक्राइब कर लो यार, सही है। ओके सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ रिगार्डिंग स्कैम, 5 ऐसे बिगेस्ट स्कैम जो यहाँ पर कनाडा में होते हैं, सही है। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको इन्हीं 5 स्कैमों के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि लॉट्स ऑफ स्कैम्स की कैटेगरीज है यहाँ पर, बट ये 5 है जो मेनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द होते रहते हैं, सही है। इंडिया में भी हमारे यहाँ रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, और कनाडा में भी बहुत सारे रुपए बोलो कनाडा में भी बहुत सारे टाइप के स्कैम्स हैं, स्कैम्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन मेनली इन्हीं पांच पर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो अगर आप, तो इन्हीं 5 पर ज्यादा ध्यान देना है, इन सभी से बच कर रहिए, क्योंकि इन्हीं 5 कोई कैटेगरी में से आप फेस करने वाले हो कोई ना कोई स्कैम, सही है। पहली बात करते हैं, फर्स्ट होम स्कैम। क्या होता है होम स्कैम? अगर आप नए हो, पुराने हो, स्टूडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी इसे फेस कर सकते हैं, क्योंकि इस पर एक्सपीरियंस सबके साथ नहीं होता। होम स्कैम में होता ये है स्पेसिफिकली, जैसे ही आप कहीं पर ऐड डालते हो कि मुझे होम की ज़रूरत है, यू आर लुकिंग फॉर अ होम, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाके DM करते हो, फेसबुक ग्रुप्स में जाके आप बोलते हो, फेसबुक पे ऐड करते हो कि आपको घर चाहिए, स्कैमर्स भी देख रहे हैं और जेन्युइन लोग भी देख रहे हैं। स्कैमर्स आएंगे आपके पीछे, आपसे बातचीत करेंगे और आपको एक ऐसी आकर्षक डील प्रोवाइड करेंगे। कैसे? वो आपसे कहेंगे कि मैं एक हाउस का ओनर हूँ, जो मेरा एक हाउस है वो ओशवा में है, और उसकी हाउस आपके लिए बहुत ही लेजिट रहेगा, आपके लिए बहुत ही सही रहेगा, आप जाइए देख कर आइए। वो कहाँ पर होगा? वो फ्रॉडर है, वो बोलेगा कि दुनिया के किसी भी कोने में कहीं ना कहीं XYZ होगा, वो बोलेगा जैसे मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ और मेरा एक ओशवा में हाउस है, आप जाइए और आप देखकर आइए, मैं आपको वो होम रेंट के लिए दूंगा। सबसे पहले वो आपको फोटोज भेजेगा, फोटोज फर्स्ट क्लास होती है, डेफिनेटली फेक है बट फर्स्ट क्लास होती है। वो बोलेगा आप घर का सराउंडिंग देखकर आइए, बट मैं घर के अंदर का आपको देखने अभी नहीं दे सकता, आप मुझे जैसे ही इंटरेक्ट करेंगे हम लीज भेज देंगे आपको साइन करके, जो भी है कुछ ना कुछ XYZ प्रोसेस वो बताएगा, लेकिन वो आपको घर अंदर से देखने नहीं देगा, वो बोलेगा आप बाहर से जाके देख कर आइए, और जैसे ही हमारी डील फाइनल होगी मैं आपको घर की कीज सेंड करवा दूंगा पार्सल में, सही है। बस फिर वो आपको बोलेगा कि आप मुझे इंटरेक्ट कर दीजिए, पैसे डन, पैसे गॉन, दैट्स इट। सो इसी टाइप के होम स्कैम से बच के रहना है, और हैंड टू हैंड की लेनी है और फेस टू फेस घर देखे बिना, ओनर से मिले बिना या किसी उनके मैनेजर से मिले बिना, घर देखे बिना आपको कोई भी घर रेंट नहीं करना है, ठीक है। इसी बात का ध्यान रखें और मैं चाहूँगा आप सेफ रहें, कहीं से भी आपका पैसा उड़े नहीं, दैट्स व्हाई। सेकंड इज फेक जॉब स्कैम। इसमें होता क्या है? ये स्कैम मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको डीपली शेयर कर पाऊंगा, सही है। पहले दिन मैं आता हूँ कनाडा में, 3 दिन पास होते हैं, थर्ड सैटरडे यहाँ पर था मेरा थर्ड, कॉलेज से मैं जैसे निकलता हूँ ये वाला मैसेज मुझे आता है, भाई आपका खुश, मगर समझदार भी तो था, इंडिया से मैं देख कर आया था कि यहाँ पे कैसे कैसे टाइप के स्कैम्स होते हैं, सो आई वॉज टोटली अवेयर अबाउट दैट, यही अवेयरनेस मैं आपको दे रहा हूँ। वो बोलेंगे इस तरह का आपको मैसेज डालेंगे, आप जाके उनको मेल करेंगे, वो आपको इस तरह का लंबा सा मैसेज देंगे, लंबा सा मेल भेजेंगे, डन, समझ आ जाएगा आपको कि ये स्कैम ही है, क्योंकि ऑनलाइन जॉब सामने से आपको कोई नहीं आने वाला देने, मैसेज करके स्पेसिफिकली कि आप आइए, मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, मुझे ऐसे है वैसे है, पर्सनल असिस्टेंट चाहिए मुझे, क्योंकि ऐसे जॉब्स में भी स्कैमर्स बोलेंगे कि मैं दूर कहीं दुनिया में बैठा हुआ हूँ और मुझे एक ऑनलाइन असिस्टेंट की ज़रूरत है, जो मेरी फाइल्स एंड ऑल देखे,
मेरी मीटिंग सेट करे, मेरे मीटिंग आवर शेड्यूल करे, मेरे टाइमिंग्स को संभाले। खुश तो हो जाओगे आप, मगर समझ भी जाओगे कि ये टोटली स्कैम है। और तो और, इस स्कैम में मुझे आगे देखने के लिए मैं आगे तक गया, स्लोली एंड स्लोली ईच एंड एवरी प्रोसेस फॉलो करता गया। हाँ, मगर जिस स्टेप पर लगे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन सेफ रहेगी या नहीं रहेगी, वो इन्फॉर्मेशन ना दें। बट मुझे था तो मैं आगे तक गया। और तो और, उसने मुझे चेक भी भेजा, $2,800 का चेक। कितने दिनों में? 1 वीक में मेरे पास कैनेडा में आने के बाद $2,800 का चेक था। सुनी सुनाई बातें हैं, सब फ्री का कुछ मिलता नहीं है, हवा की बातें हैं। सो ऐसे चेक्स को प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ना करें, क्योंकि जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे, डिपॉजिट करने के बाद अमाउंट तो डिपॉजिट हो जाएगी, मगर वो चेक का चेकिंग 3 या 2 दिन बाद स्कोशिया बैंक करता है। सही है, अगर आपने डिपॉजिट कर दिया और इन्हीं डिपॉजिट अमाउंट को लेकर आप सोचो कि ये तो रियल मनी है, और आपका जो स्कैमर है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा चीज़ें खरीदने के लिए, कैसी? गिफ्ट कार्ड्स एंड ऑल। वो गिफ्ट कार्ड ऐसी रास्ते हैं जहाँ से स्कैमर्स का पता नहीं चलता है। सही है, वो आपको चीज़ें परचेस करने बोलेगा, किससे? उन्हीं के इंसान से जो यहाँ कहीं ऑस्मा में रहता है। तो ऐसे सारे सीन्स हैं, इन्हीं सबसे बच के रहिए, ऐसे सारे प्रोसेस को कोई भी फॉलो ना करें, और ऐसे कोई नॉन जेन्युइन चेक्स डिपॉजिट का भी मत कीजिए। ये चेक में आपको दिखेगा होगा कि नीचे कोई नंबर नहीं है, नंबर कटा हुआ है। कौन देता है चेक? दैट्स इट फॉर द जॉब स्कैम। थर्ड हम बात करेंगे फेक कॉल स्कैम। क्या होता है ये फेक कॉल स्कैम? सुबह सुबह मेरी फ्रेंड को कॉल आती है, वो बोलते हैं हम सीआरए से बात कर रहे हैं, आप 20 आवर्स के आगे आप काम करते हो, 40 आवर्स 50 आवर्स आप काम करते हो, आपका रिपोर्ट आया है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर आप हमें डिटेल्स फटाफट शेयर नहीं करोगे और सच नहीं बोलोगे। मेरी फ्रेंड डर गई, उसे डिटेल्स देना स्टार्ट कर दिया। वो उसे इंस्ट्रक्ट करते रहे, आप ये प्रेस कीजिए, वो करती रही। प्लीज गाइस, ऐसा मत करें। थैंक्स टू गॉड उसके पैसे के साथ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो डर गई और उसने फ़ोन पहले ही कट कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये स्कैम हो सकता है। बट शी वॉज नॉट श्योर, राइट? आप भी नहीं हो सकते ऐसे श्योर। सो ऐसे कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कभी आपको कॉल नहीं करेगी ऊपर से कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, आपका ये पकड़ा गया है, आपकी ये रिपोर्ट्स आई है कि आप गलत काम कर रहे हो, ड्रग स्मगलिंग करते हो। ऐसे बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं, मगर रियल अथॉरिटीज़, रियल गवर्नमेंट कभी आपको कॉल नहीं करती। सही है, तो कोई भी अपनी लेजिट इन्फॉर्मेशन कॉल पर किसी को भी ना दे। फिर हम आते हैं गर्ल्स कैंप पे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। गर्ल्स कैंप में होता ये है, आप जैसे ही इंडिया से कनाडा मूव होते हो, आपकी फेसबुक प्रोफाइल भी इंडिया से कनाडा मूव होती है, साथ ही साथ ऑनलाइन की सभी गतिविधियां भी आपकी मूव हो जाती है फॉरेन कंट्रीज में। यहाँ आने के बाद आपकी प्रोफाइल सबको शो करती हैं नियर बाय एरियाज में, स्कैमर्स को भी। स्कैमर्स करते ये हैं, लड़कियों की अच्छी सी टिप टॉप प्रोफाइल बनाते हैं, एकदम जेन्युइन दिखने वाली प्रोफाइल बनाएंगे, और वो पैसे हटने के लिए अच्छी सी कहानी बनाएंगे एज अ गर्ल। एवरीथिंग द कैरेक्टर इज प्लेइंग एज अ गर्ल, वो आपसे अच्छी सी कहानी बताएंगे, मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, वो कैंसर है, ये है वो है, बकवास सारी निकलेगा। सो वो ऐसी सारी एक्टिंग करेंगे, आपसे झूठी झूठी कहानियाँ बताएंगे कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, पहले इमोशनली अटैच हो जाएंगे, फिर जाके ये सब होगा। सो उस रास्ते से भी वो पैसे हटने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं फंसना है। सही है। लास्ट एंड लीस्ट, बाइनरी ट्रेडिंग स्कैम और स्टॉक मार्केट का स्कैम। होता यह है इसमें, ये भी मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ इसमें से लगभग तीन इसमें से तीन स्कैम मेरे साथ हो चुके हैं, कुछ लॉस नहीं हुआ है, एक्सपीरियंस कर लिया मैंने तीन। फिफ्थ आते हैं बाइनरी ट्रेडिंग पे। इसमें इंस्टाग्राम पे मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, एक रिक्वेस्ट आई थी जो एज अ खुद को बताती है दैट आई एम अ बाइनरी ट्रेडिंग
ब्रोकर और समथिंग जो आपके लिए पैसे ट्रेड करेंगे और आपको अच्छे से प्रॉफिट दिलाएंगे एवरी वीक। सही है, दिखने में सब अच्छा दिखेगा। उसने मुझे इनफैक्ट उनकी कंपनी है जो भी फेक है HTTPS जो कि परफेक्टली सिक्योर डोमेन है, ऐसी वेबसाइट वो खोल कर बैठे हैं और उसमें अपना अकाउंट बनवाते हैं। वो हमारा अकाउंट बनवाएंगे क्योंकि वो उनकी ही कंपनी है, हमारा अकाउंट भी बनवाएंगे तो हमें लगेगा लेजिट है कि अच्छी वेबसाइट है एंड ऑल, बट नो एवरीथिंग इज़ फेक। कोई आपको क्यों इंस्टाग्राम पे सामने से आएगा और आपको बताएगा वो क्यों पैसे देना चाहेगा? आपको ये सोचना है सबसे पहले, क्यों आपको कोई फ्री में मनी बांट रहा है? नहीं लेने, फ्री में कुछ चाहिए ही नहीं हमें, हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत का खाएंगे। सही है, तो वो ऐसे आती है और मुझे कहती है कि ये लो आपकी प्रोफाइल मैंने बना के दे दी, आप इसमें इन्वेस्ट करें, मुझे $250 इसी अमाउंट पे ऐसे ईमेल आईडी पे भेज दें और फिर मैं आपका अकाउंट खोलूंगी एंड ऑल। फिर गटन पैसे गायब। ये था एक टाइप बाइनरी ट्रेडिंग का। दूसरा एक टाइप आता है स्टॉक मार्केट वाला, जिसमें आपका सेम ही चीज आधे तक फॉलो हो जाती है, जिसमें वो अकाउंट बनाते हैं एंड ऑल और फिर मेरे शायद आप पैसे भी भेजें। पैसे भेजने के बाद वो आपको उनकी वेबसाइट पे आपकी ग्रोथ दिखाएंगे तो आपको लगेगा या एवरीडे शी इज टॉकिंग विद मी एंड शी इज शोइंग मी ऑल द ग्रोथ। डे बाय डे आपका ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, डॉलर्स बढ़ते जा रहे हैं, $9,000, $10,000, $13,000 एंड ऑल। आप हैप्पी। वीक खत्म हुआ, वीक खत्म होने के बाद प्रॉफिट्स उठाने का टाइम आया, तब वो आपको कॉल करेगी, या इट्स अ वेरी गुड डे, वेरी हैप्पी डे, $13,000 आपके अकाउंट में पड़े हैं। आपको बस अब जो स्टेप्स मैं बोल रही हूँ वो आपको फॉलो करने हैं एंड डन, यू विल बी अ मिलियनेयर एंड ऑल। सब पागल बनाने की बात है, वो ऐसे सब बोलेगी आपको, लेकिन उसी अमाउंट को विथड्रॉ करने के लिए वो आपसे टैक्स मांगेगी। वो बोलेगी कि आपको गवर्नमेंट को जाकर टैक्स भरना होगा, फिर ही आप अमाउंट विथड्रॉ कर पाएंगे। समझ रहे हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे? पैसे उठाने के लिए पैसे भरो पहले, गलत बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं। टैक्स भरने का सिस्टम एवरीथिंग इज ऑनलाइन टू द CRA। आप जाइए और टैक्स कभी भी एट द एंड ऑफ द ईयर या ईयर खत्म होने के बाद आप खुद पे कर सकते हैं। मनी विथड्रॉ करने के लिए आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि आपको पहले टैक्स भरो, गलत बात है। तो उसमें वो बोलेंगी ये आप जाइए इतनी अमाउंट बिटकॉइन वॉलेट, बिटकॉइन मशीन में जाके इस नंबर पर आप इतने अमाउंट डलवा दीजिए उस अकाउंट में, वो अमाउंट सीधी गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं है, वो वॉलेट उसका, वो अमाउंट सीधे इसको पहुंच रही है, कोई टैक्स वैक्स पे नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को, वो अमाउंट सीधा उसके अकाउंट में जा रही है। शी इज गेटिंग द प्रॉफिट, नॉट वी। सो ऐसा कुछ ना करें, कोई टैक्सेबल पे अमाउंट नहीं होती है विड्रॉ करने के लिए और इन्हीं सब चक्कर में पड़े ही नहीं बाइनरी ट्रेडिंग स्टॉकिंग। सामने से कोई आ रहा है वो सब लोग गलत हैं, लेकिन ऑनलाइन ऐसी कई सारी अच्छी ऐप्स है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक मार्केट का देख सकते हो, बाइनरी ट्रेडिंग कर सकते हो। करें तो खुद से करें, किसी ब्रोकर के चक्कर में यहाँ मत पड़िए। बस तो यही थे कुछ ऐसे टाइप के स्कैम्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं स्कैम्स के एक्सपीरियंस आपको होने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इंडिया से यहाँ मूव होने के बाद आपको इन्हीं में से कोई ना कोई स्कैम्स को फेस करना पड़ेगा, बट स्मार्टली मूव करके मूव ऑन हो जाइए, इस पे ध्यान मत दीजिए और आप अपने पैसे रहेंगे सेफ। सब कुछ एंड में टिप्स देंगे, बोनस टिप्स आने के बाद। इन्हीं स्कैम्स में से फोन कॉल स्कैम से बचने के लिए आप करेंगे ट्रू कॉलर को ऐप को इंस्टॉल। ट्रू कॉलर ऐप आप सभी जानते ही होंगे, इंस्टॉल करने के बाद जैसे आपको कोई कॉल आती है ट्रू कॉलर ऐप आपको दिखा देगा कि ये स्कैमर है और उनका नोटिफिकेशन है जो रेड पूरा रेड हो जाएगा। डिफरेंट फोन में डिफरेंट सिनेरियो है, मगर कुछ ना कुछ आपको रेड दिखेगा उसके ऊपर, सो आप समझ जाओगे कि ये स्कैमर का कॉल है। सही है, ट्रू कॉलर ऐप इज द बेस्ट टू शो यू हु इज स्कैमर एंड हु इज जेन्युइन एंड ऑल, दैट्स इट। सो ट्रू कॉलर ऐप को जरूर इंस्टॉल करें यहाँ पर आने के बाद। नेक्स्ट टिप, इन्हीं किसी स्कैम्स में से फेस होने के बाद अगर आपको लगता है ये स्कैम है ऑल, सो आप अपने फ्रेंड्स को कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए, अपने सीनियर से बात कीजिए कि ऐसा कुछ है, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इसी स्कैम वीडियो से आप पूरी तरह जानकारी लें, ध्यान में रखें कैनेडा में आने के बाद, और बस सावधान रहे, सतर्क रहे। थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं उसकी रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प। थैंक यू सो मच, गुड बाय।